लंबे समय तो श्रोमणी अकाली दल पार्टी च विचर रहे पिंड विरक खुरद दे जगविंदर सिंह परिवार समेत श्रोमणी अकाली दल छड़ के उप प्रधान बीजेपी दयाल सोडी की अगवाई विच बीजेपी विच शामिल हो गए। गलबात दौरान दयाल सोडी ने दस्या कि आने वाले समय विच पंजाब अंदर बीजेपी एक वड्डी पार्टी वजो सामने आवेगी। उन्हां दस्या कि आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार तो पंजाब दे लोकां दा मोह भंग हो चुकिया है अते लोक वड्डी गिणती विच बीजेपी विच शामिल हो रहे हन। अखीर विच उन्हां जगविंदर सिंह अते उन्हां दे परिवार नूं बीजेपी पार्टी विच जी आया नूं कहा। इस मौके पिंड वासी भी मौजूद सन। देखो मैनूं बड़ी खुशी है कि अज जगविंदर सिंह जी और उन्हां दे परिवार ने विरक खुरद पिंड दे विच श्रोमणी अकाली दल नूं छड्ड के भारतीय जनता पार्टी नूं ज्वाइन कीता है और इस करके है कि अज पंजाब दे विच लोक महसूस करन लगे ने कि जे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पंजाब दे विच आवेगी तो पंजाब फिर ही बच सकेगा, क्योंकि लोगों ने रवायती पार्टियां नूं जमा के वेख लिया, चाहे वह कांग्रेस सी चाहे श्रोमणी अकाली दल सी। लेकिन अज जो पंजाब दे विच मौजूदा सरकार आम आदमी पार्टी की बनी है तो लोगों ने बदलाव के चा दे विच आके वोटा तो पातियां, लेकिन अपने आप नूं ठग्या होया महसूस कर रहे ने। वो इस करके क्योंकि ये जिहड़ी सरकार बनी है ये केवल झूठ बोल के लोगों नूं रल ला के बनी है। इन्हां ने कोई भी वादा पूरा नहीं किया और इन्हां कोले कोई तजर्बा नहीं हैगा। सो इस करके जिहड़ा अज सूबा है मैं समझदा कि वह खूह की मौन ते खड़ा है। सो अज लोग साढ़े देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दीआं जो स्कीमां ने जां उन्हां दे कीते होए काम ने उन्हां तों खुश हो के प्रभाव हो के भारतीय जनता पार्टी नूं ज्वाइन कर रहे ने। ये केवल अज ही इत्थे नहीं है, मैं पिछे पिंड हैगा अपना गहरी भागी उत्थे भी लगभग 10 परिवारों ने अज भारतीय जनता पार्टी नूं ज्वाइन किया और तुसीं वेखोगे कि आने वाले दिनों दे विच भारतीय जनता पार्टी पिंडां दे विच जिहड़े लोग कहिंदे ना भारतीय जनता पार्टी शहरी पार्टी है, लेकिन नहीं, ये एक भरम सीगा। लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार दीआं नीतियां नूं खुश होकर और उन्हां दी विचारधारा नूं मुख रख के भारतीय जनता पार्टी नूं ज्वाइन किया। सो मैं इस परिवार नूं पार्टी वालों जी आया कहना और विश्वास दिवाउणा है कि पार्टी विच इन्हां नूं पूरा बनदा मान सम्मान भी देवांगे और पार्टी दी चढ़दी कला लई इह परिवार हमेशा काम करदा रहे। देखो मैं ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिन्हें सिख धर्म लई बड़े वड्डे काम कीते ने। तुसीं गल कर लो जे 84 दे दंगियां नूं सजावां दवाईयां तां उह केंद्र दी मोदी सरकार ने दवाईयां, जे करतारपुर कोरीडोर पुर दा कोरीडोर लांघा खोलिया ते अज साडे लोक जिथे पहलां दूरबीन नाल दर्शन करदे सी अज जाके खुले दर्शन नजारे करदे ने, उह वी साडी सरकार दे हिस्से आया। जे अफगानिस्तान दे विच्चों सिख भरावां नूं कढ के लियांदा ते साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं बड़े सत्कार नाल लिया के प्रकाश करवाया, उह वी साडी सरकार दे हिस्से आया। जे सिखां दी काली सूची 40-40 साल तो जिहड़े नौजवान चले गए सी आप इत्थे मिल नहीं सकदे सी परिवारां नूं, उन्हां दे पासपोर्ट भी बहाल कराए है और काली सूची खत्म कीती है, इह वी मोदी सरकार ने कीती है। जे 400 साल उस जगह ते जिथे गुरु तेग बहादुर जी नूं हुक्म होया सी सजा दा उत्थे बह के मनाया, इह वी मोदी साहब दी सरकार ने कीता है। और वीरवाल दिवस जिहड़े साडे असीं कह सकदे हां कि साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह जी जिन्हां दा वीरवाल दिवस तौर पर मनाया, वह एडा वड्डी कुरबानी नूं सिजदा कीता जिहड़े लोकां नूं नहीं भी पता सी उन्हां लोकां नूं भी इस शहादत बारे पता लग्गिया कि दुनिया दे विच एडी वड्डी कुरबानी किते नहीं मिलदी। सो जिन्ने सिख धर्म दे लई काम मोदी सरकार ने कीते आ पिछले 70 सालां च कांग्रेस नहीं कर सकी। सो इस करके ये एक कूड प्रचार है ते ये कूड प्रचार जिहड़ा है लोक हुण समझ चुके ने कि भारतीय जनता पार्टी पहलां कदे भी पंजाब विरोधी नहीं सी, ना है ते ना होवे। देखो पहली गल तां है कि जिहड़े किसान बिल सीगे ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਖੇਤੀ 'ਚ ਖੜੋਤ ਆਈ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣੇ, ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿ ਖਾਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ, ਅੱਜ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ
मैं समझना कि जिहड़ी पंजाब दी सरकार है वह किसानां दे नाल धोखा कर रही है। केंद्र ने फसल बीमा योजना दित्ती है, हरियाणे च लागू है, मध्य प्रदेश च लागू है, गुजरात दे विच लागू है, लेकिन पंजाब दे विच नहीं है। इस करके पंजाब दी सरकार नूं आपां किसान हितैषी नहीं कह सकते। जे अज वह फसल बीमा योजना लागू होंदी तां किसानां नूं जां मजदूरां नूं धरने नहीं लाउणे पैणे सी। उन्हां दे खात्यां दे विच सिद्धी 50-50 हज़ार प्रति एकड़ मुआवजा आउणा सी। हरियाणा गुआंढी सूबा जाके पुछ लो, उत्थे मजदूरां नूं भी पैसे मिले आ, उत्थे किसानां नूं भी पैसे मिले ने। सो इस करके जिहड़ी बीजेपी सरकार है वह हमेशा किसानां लई सोचदी है ते सोचदी रहेगी, और किसानां लई जिन्ने भी काम हो सके असीं वध तों वध खेती नूं होर वधाउण लई काम करांगे।